दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि परफेक्ट पानी पूरी की पूरियां कैसी बनाई जाए, और आज हम बनाएंगे पानी पूरी का पानी और मसाला, एकदम ठेले पे मिलने वाली पानी पूरी के टेस्ट जैसा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पल्लवी और पल्लवीज़ किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे अपना सपोर्ट ज़रूर दें। दोस्तों, पानी पूरी के बहुत से नाम है, जैसे कि इसे गोलगप्पा, पुचके और पानी पूरी भी कहा जाता है। तो चलिए फटाफट आज की रेसिपी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम मसाला पानी बनाकर तैयार कर लेंगे, जिसके लिए हमें चाहिए 1 कटोरी धनिया, 3 हरी मिर्च, 3/4 कटोरी इमली का पल्प, 1/2 कटोरी बूंदी। मसालों में लिया है 4 बड़े चम्मच पुदीना पाउडर, आप इसकी जगह फ्रेश पुदीने के पत्ते भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद 3 बड़े चम्मच जीरा पाउडर, 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक लेंगे 2 बड़े चम्मच, 2 बड़े चम्मच सौंठ का पाउडर यानी कि ड्राई जिंजर पाउडर, 2 बड़े चम्मच काला नमक, 2 बड़े चम्मच काली मिर्च पाउडर और 2 पिंच हींग। अब सबसे पहले हम मिक्सर में धनिया, मिर्च, इमली का पल्प और पुदीना पाउडर डालकर इसका एक स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये पेस्ट बनकर हमारा तैयार है और अब हम इसे छलनी की मदद से अच्छे से छान लेंगे। छानने के बाद ये जो अंत में रेसिड्यू बचा है, ये हम अलग से निकाल लेते हैं और इसे हम फेंकेंगे नहीं, इसे हम अपनी फिलिंग में यूज़ करेंगे। तो ये एकदम स्मूथ मिश्रण बनकर तैयार है और अब हम इसमें डालेंगे करीबन 1.5 लीटर पानी। एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, सौंठ का पाउडर, काला नमक, साधा नमक और हींग डालकर एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, ये कलर से ही इतना टेम्पटिंग दिख रहा है, तो आप सोचिए कि खाने में कितना यम्मी लगेगा। और अंत में इसमें डालेंगे बूंदी और फिर से एक बार इसे अच्छे से चला के मिक्स कर लेंगे। और ये मसाला पानी हमारा बनकर एकदम तैयार है। तो चलिए अब फिलिंग बनाने की शुरुआत करते हैं। फिलिंग के लिए हमने लिए हैं 3 बॉइल्ड आलू, जिन्हें हमने बॉईल कर लिया है और पील कर लिया है। यहाँ हमने लिया है 1/2 कटोरी बॉईल किया हुआ काला चना। ये चना हमने करीबन 6 घंटे भिगोकर रखा था और इसके बाद इसे 5 सीटियाँ देकर हमने इसे बॉईल कर लिया है। इसके बाद पानी बनाते समय जो मिश्रण छानने के बाद बच गया था, वो हमने यहाँ पे लिया है। इसके बाद 2 बड़े चम्मच जीरा पाउडर, 2 छोटे चम्मच फ्रेश धनिया और नमक स्वादानुसार। अब सबसे पहले हम ये आलू मैश करके तैयार कर लेंगे। आलू मैश हो गए हैं और इसमें अब हम डालेंगे ये काला चना और इसके बाद इसे फिर से एक बार मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे धनिया मिर्ची का पेस्ट, इसके बाद डालेंगे जीरा पाउडर, नमक और फ्रेश धनिया डालकर इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों, ये हमारी टेम्पटिंग सी फिलिंग बनकर एकदम तैयार है। तो आइए ठेले जैसी पानी पूरी का आज घर में ही आनंद लेते हैं। दोस्तों, अगर आप सच्चे पानी पूरी लवर हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आज की ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट देना ना भूलें। मैं मिलूंगी ऐसी ही नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।